नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना सीआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया, तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश सुल्तान बना। उस सुल्तान बनने के बाद आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को सुदृढ़ किया। इतिहासकार मिन्हाज इसराज के अनुसार इल्तुतमिश इलवारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन में इल्तुतमिश काफ़ी सुंदर व होनहार था, जिसके कारण उसके पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा इल्तुतमिश से अधिक प्रेम करते थे। इससे कुपित होकर उसके भाइयों ने उसे एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उसे प्रधान काजी को बेच दिया और काजी ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गोरी की कृपा पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम व स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे उन्नति करने लगा। प्रारंभ में उसने सर जानदार की उपाधि ग्रहण की और अंत में अमीर शिकार की उपाधि ग्रहण की। ऐबक द्वारा ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया और उसे बदायूं का हाकिम भी नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश के समय पितृ विद्रोह हुआ। इल्तुतमिश ने लाहौर व मुल्तान पर अपना अधिकार किया। वहाँ के सूबेदार यल्दोज व कुबाचा की शक्ति को समाप्त किया। 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को लागू किया और जीतल व टंका नामक सिक्के भी चलवाए। अपने बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हुआ, जिसके कारण अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के माध्यम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। उसने न केवल दिल्ली राज्य को सुसंगठित किया, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।